ओके सो भाई लोग, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में दोस्तों कोई भी अर्निंग का ऑफर नहीं है दोस्तों। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पेटीएम में दोस्तों आप लोग जैसे 4 से 5 बार लॉगिन करने के बाद जैसे आप लोग फिर से जाओगे लॉगिन करने पेटीएम में, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक एरर दिखने के लिए मिलेगा, जो कि अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ। यहाँ पे क्या बता रहा है कि 30 दिन के बाद आप ट्राई कर सकते हो, उसके पहले नहीं होगा। तो इसका मैं सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो यार वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यार वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जो हमारे पेटीएम स्मार्ट आई डी को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर लीजिए, और यार पास में बेल आइकन लगा उसको प्रेस करके ऑल कर लीजिए, बिकॉज मैं कभी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। बता दूँ दोस्तों कि इस वाले चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ अर्निंग का रिलेटेड ही वीडियो मिलता है देखने के लिए। सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में बता दूँ कि यहाँ पर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें पेटीएम का एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उस सॉल्व के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो यार वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा आप। और हाँ दोस्तों, बता दो कि हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल, यार देखो अभी तक इस पे ज्वाइन है तो क्या कर रहे हो यार, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज यार यहाँ पे छोटा मोटा ऑफर आता रहता है। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो बेशक से हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अभी दोस्तों बता दो कि इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, सिंपली तो इसके सोल्यूशन के लिए आप लोग को क्या करना है कि क्लोनर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर पैरेलल स्पेस को। तो पैरेलल स्पेस को तो जैसे आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे क्या करना है कि सिंपली यार पैरेलल स्पेस में यार पेटीएम को ऐड करना है, देन दोस्तों अप्लाई करना। लेकिन दोस्तों उससे सरल तरीका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ऐप क्लोनर को दोस्तों डाउनलोड करना है, तो इसको डाउनलोड कैसे करना है आपको इसका लिंक हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्लीज़ यार जा करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों कैसे इसको क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ऐप क्लोनर के यार ओपन करना है, देन दोस्तों आपको जो भी एप्लीकेशन का क्लोनर बनाना है, जैसे कि सपोज करते यार कि यहाँ पर मेरा जो पेटीएम में इशू आ रहा है, तो पेटीएम पे वह टाइप करेंगे, और पेटीएम पे टाइप करने के बाद यहाँ पे दोस्तों कलर वगैरह सब नेम वगैरह सब कुछ चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे कलर वगैरह सब कुछ आप लोग चेंज कर सकते हो। तो अपने हिसाब से दोस्तों यार यहाँ पे जो कलर को अपने मैनेज कर लीजिएगा, जो कि अभी आप लोग दे सकते हो। अभी दोस्तों एक काम और करना आपको कि यहाँ पे दोस्तों नीचे के साइड में आना है, और यहाँ पे दोस्तों प्राइवेसी का एक सिंबल है, जो कि अभी आप लोग देखो यहाँ पे दोस्तों प्राइवेसी के सिंबल पर जैसे आओगे, तो दोस्तों जैसे प्राइवेसी ऑप्शन पर जैसे आप लोग प्रेस करोगे, नीचे के साइड में जैसे आप लोग सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो है दोस्तों चेंज आईडी, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो चेंज एंड्रॉयड आईडी पे वह प्रेस करना है। जैसे आप लोग प्रेस करोगे यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, रैंडम पे वह प्रेस करना है, देन कस्टम करना है, ओके, उसके बाद ओके कर देना पड़ेगा। तो चलो और मैं रैंडम कर देता हूँ, कस्टम कर देता हूँ, देन दोस्तों मैं ओके कर देता हूँ। अभी दोस्तों आप लोग देखो ये मेरा हो चुका डन। अब दोस्तों फिर से मैं इस पर टाइप करूँगा दोस्तों नीचे के साइड में, तो यहाँ पर फिर से मैं रैंडम करूँगा, कस्टम करूँगा, ओके करूँगा, तो ये मेरा हो चुका, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग का क्या करना है, एक बार जो है बैक करना है, और नीचे के साइड में यहाँ पर आप लोग देखो इसको जो क्लोन बना रहा है, तो क्लोन बना करके इंस्टॉल कर लेना। चलिए मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ क्लोन बना करके, तो यार मेरा जो है क्लोन बन चुका है, और मैंने ऑलरेडी यार इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ, जो कि अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ। ये जो है दोस्तों अभी आप लोग देखो एप पेटीएम है, तो क्या करना है इस पर अभी आप लोग नंबर वहाँ पे दे सकते थे। चलिए मैं आपको दिखा दूँ पहले, यहाँ पर दोस्तों आप लोग मेरे ओरिजिनल वाले पेटीएम अकाउंट में देखिए कि यहाँ पे जैसे ये मैं टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों 30 डेट भी लिख रहा है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा जो है मोबाइल नंबर है, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लर करके रखाऊंगा। लास्ट में आप लोग देखो 00417 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जो कि अभी आप लोग देख सकते हो साफ साफ। तो अभी यार इसको जो याद करके रखे, अभी दोस्तों क्या करते हैं इस वाले अकाउंट में आते हैं पेटीएम के, ठीक है। अभी दोस्तों इसमें क्या करना, अपना जो है लैंग्वेज को अपने हिसाब से दोस्तों सेट कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ। तो यार उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि इसमें जो है नंबर को इंटर करना पड़ेगा, तो चलो मैं नंबर को यार इंटर कर देता हूँ। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पे नंबर को देखो यार 00417, जो कि अभी आप लोग देख सकते हो साफ साफ। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रोसीड एक बार जो अपने हिसाब से कर लेना है, देन दोस्तों आप लोग देखो तुरंत के तुरंत यहाँ पे मेरा पासवर्ड को पूछ रहा है, जो कि उसके पहले वहाँ पर नहीं पूछ रहा था, तो चलो मैं पासवर्ड को भी इंटर कर देता हूँ। तो यार वहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा था, तो वहाँ पे जो कि अभी आप लोग देख सकते थे कि वहाँ पे क्या बता रहा था कि 30 दिन के बाद आप इसको ओपन कर सकते हो। तो अभी दोस्तों वो रैंडमली दोस्तों हो चुका, अभी दोस्तों मैंने पासवर्ड को इंटर कर दिया है, मैंने सबमिट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों मेरा एक OTP आएगा वेरीफिकेशन के लिए, तो OTP मेरा जब भी आ जाता है तो इसको मैं फिल कर देता हूँ। तो यार इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ऑटोमेटिकली इसमें भी यार फिल हो जाता है। अभी आप लोग देखो OTP मेरा आ चुका है, और ये मेरा जो है फिल हो चुका है, ये भी मेरा जो है इसमें लॉगिन हो चुका है। इसी तरह से आप लोग अनलिमिटेड टाइम आप लोग कर सकते हो यार इसको, क्या कर ऐप क्लोनर को यूज करके आप लोग पेटीएम में बारी बारी से यार लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों होप करते हुए वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यार साथ में कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वाला दोस्तों हमारा एक सोल्यूशन, ठीक है। सर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब चले जय हिंद, वंदे मातरम।